नमस्ते। आज थोड़ा आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब से 5 नए राज्यसभा के मेंबर्स का को नॉमिनेट किया है। उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है, पेपर्स फाइल कर दिए हैं और जल्दी ही वो राज्यसभा के मेंबर के रूप में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, 92 सीट्स हैं, मेजॉरिटी है, इसलिए कोई वो दिक्कत नहीं है। ये जो 5 लोग हुए हैं, पहले उनका नाम मैं आपको बता दूँ और फिर थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। तो इसमें हरभजन सिंह का आप नाम देख रहे हैं। हरभजन सिंह का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्रिकेट को अगर थोड़ा बहुत भी फॉलो करता हो तो उसको नहीं जानते हो। हिंदुस्तान के बड़े बॉलर और ऐसे लगता है कि जैसे पंजाब से एक क्रिकेटर देने की आदत है। नवजोत सिंह सिद्धू का इस समय सितारे गर्दिश में हुए, तो ये अब हरभजन सिंह सिद्धू आ गए हैं। इसमें कोई बात नहीं कि पॉपुलर हैं और यूथ आइकॉन के रूप में देखे जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करना चाहते हैं और पंजाब में वो स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक ही सिर्फ चीज़ है, अगर केवल उनको स्पोर्ट्स के ही कोटे से दिया गया है तो इसी राज्यसभा ने तेंदुलकर को भी देखा था। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के ऑल टाइम ग्रेट अगर क्रिकेटर की बात करेंगे तो उसके पहले 2 में, क्योंकि हो सकता है किसी का गवास करें वो, लेकिन तेंदुलकर का नाम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ही नाम एक तरह से कह सकते हैं। वो भी राज्यसभा में आए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन राज्यसभा में था ये शोध का विषय है। तो ये देखा जाएगा कि हरभजन सिंह साहब कैसी इनिंग खेलते हैं। एक और दूसरा नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जब मेंबर हो जाते हैं और शपथ ले लेते हैं तो इस समय के शायद यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर करंट उसमें होंगे, 33 वर्ष की उम्र में हो जाएंगे। राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा में एमएलए हैं और 2019 का लोकसभा इलेक्शन लड़े थे आम आदमी पार्टी टिकट पे दिल्ली से, लेकिन हार गए थे। उसके बाद एमएलए का इलेक्शन लड़े, जीत गए, उनकी कुछ कुछ कमिटीज़ के हेड हैं और पंजाब के एक तरह से प्रभारी थे। उनका नाम एक कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा आया था जब पंजाब में ये आरोप लगाया गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के टिकट बेचे गए हैं, और उसमें मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से राघव चड्ढा का नाम भी उसमें घसीटा गया था। मूल रूप से ये माना जा रहा है कि ये उनको एक तरह से रिवॉर्ड के रूप में दिया गया है, क्योंकि उन पंजाब में एक अभूतपूर्व मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी आई है, तो या तो राघव चड्ढा जी को अकोमोडेट करना पड़ता अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली कैबिनेट में या राज्यसभा। तो मेरे ख्याल में वो जो पंजाब से वो राज्यसभा आ रहे हैं तो एक तरह से, हालांकि वो हैं नहीं पंजाब के, लेकिन एक तरह से चूंकि पंजाब के प्रभारी रहे हैं तो कोई रेलेवेंस वहाँ पे उनका रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट आदमी हुए संदीप पाठक। संदीप पाठक काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ बहुत दिनों से हैं, उनका बैक ऑफिस को पूरी तरह से हैंडल करते हैं, IIT दिल्ली में पढ़ाते हैं, और पंजाब की जो स्ट्रैटेजी थी और जो कैंडिडेट सिलेक्शन था, जो किस तरह से कैंपेन करेंगे, इन सब में इनका अहम रोल था। पर्दे के पीछे वाले हैं लेकिन विथ ऑल दी डेटाज, विथ ऑल दी स्ट्रैटेजीज, उनको भी यहाँ पे एक तरह से रिवॉर्ड दिया गया है, क्योंकि वो अभी पंजाब के सह प्रभारी हैं और उनको गुजरात का प्रभारी बनाए गए हैं। अब गुजरात नया एक एक्सपेरिमेंट वाली फील्ड है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट BJP और कांग्रेस की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी एज एन ऑल्टरनेटिव वहाँ अपने को पोजीशन करना चाह रही है, और वहाँ के गुजरात के कुछ म्यूनिसिपल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो शायद इसको देखते हुए उन्होंने संदीप पाठक जी को यहाँ का राज्यसभा का मेंबरशिप दी है। अशोक मित्तल साहब हैं। अशोक मित्तल साहब लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, मतलब एक तरह से ओनर ही हैं। जलंधर में इनके पिताजी बलदेव राज मित्तल जी जो थे, उन्होंने लवली स्वीट्स करके वहाँ से शुरू किया था। फौज में जो लोग नॉर्थ में पोस्टेड रहे हैं, खास करके पंजाब में, वो लवली स्वीट्स की मिठाई उन्होंने ज़रूर कभी ना कभी खाई होगी, बहुत पॉपुलर। और फिर शायद 2005 या 2004 में इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुई, उसकी शायद कुछ लोग कहते हैं 40-50 देशों में उसकी ब्रांचेस हैं, बड़ा नेटवर्क। मूल रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट, दो तरह की बातें कही जाती हैं, एक तो ये है कि शायद फंडिंग करते हैं तो इस वजह से कुछ उनको ये वाला राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया गया है, और एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके एक पैन इंडिया फुटप्रिंट है, तो उनके यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उसको भी ध्यान में रख के कुछ किया गया होगा। संजीव अरोड़ा जी हैं जो रितेश ग्रुप के हेड हैं, लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैंसर हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा चलाते हैं, और
इनके हिंदुस्तान भर में कई जगह पे इनके ऑफिसेज हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। और फंडिंग वाली बात तो है ही, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी अभी हम लोग आएंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे फिर एक बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। उस मेंबरशिप में हर महीने आपको एक थोड़ा कमिटमेंट करना होगा पैसे का, और अगर आप महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमारी मदद, आर्थिक मदद करने का जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप वन टाइम हेल्प भी कर सकते हैं। अब ये जो सारी बातें मैंने आपसे की और जो बातें चल रही हैं उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि आम आदमी पार्टी का क्या फ़ायदा होगा, और दूसरा पक्ष यह है कि जो राज्यसभा है जिसको जो भी कंसीव किया गया था उसका क्या फ़ायदा होगा। अब मैं पहले राज्यसभा की बात आपसे कर लूँ। देखिए, राज्यसभा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, इस समय 245 हैं। 245 में 233 इलेक्टेड होते हैं थ्रू स्टेट्स, प्लस 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। इस समय जो 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसको मिलके बनता है उसमें एज ऑन डेट 237 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर अभी एब्सेंट कह लीजिए, या मतलब उनकी वैकेंसी भरी जानी है, उसमें से 4 जम्मू कश्मीर के, 2 बिहार से, 1 कर्नाटका, 1 तेलंगाना है। सबसे बड़े ज़्यादा मेंबर जो आते हैं वो उत्तर प्रदेश आते हैं, 31 मेंबर्स उत्तर प्रदेश से। 9 स्टेट ऐसी हैं जिसमें से 1-1 मेंबर आते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी। पंजाब से टोटल मेंबर जो आ सकते हैं वो 7 आ सकते हैं। अब दिल्ली से 3 आ सकते हैं, तो दिल्ली में 3 के 3 मेंबर आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ में 7 में 5 वैकेंसी अभी तुरंत हो रही है, वो 5 वैकेंसी 9 अप्रैल को वो 5 सीटें खाली हो रही हैं। उन 5 सीटें जो खाली हो रही हैं उसमें शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढिंडसा और नरेश गुजराल साहब का टर्म पूरा हो रहा है, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ढिल्लों का टर्म पूरा हो रहा है 9 अप्रैल को, और बीजेपी के श्वेत मलिक का हो रहा है। तो ये 5 लोग रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह ये नए 5 चुनाव होने हैं। इस समय प्रेजेंट उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टी वाइज जो पोजिशन है, 97 राज्यसभा के मेंबर्स बीजेपी के मेंबर हैं, 34 कांग्रेस हैं, 2 नंबर की पार्टी जो वहाँ पे है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 13, डीएमके 10। और अगर ये हमारे आम आदमी पार्टी के जब ये 5 मेंबर हो जाएंगे तो 5-3-8 करके ये 5वें नंबर की पार्टी हो जाएगी राज्यसभा में। ये मैं आपको ये फिगर्स इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि एक नई परंपरा बीजेपी ने शुरू की। पहले क्या होता था कि जैसे अगर मान लीजिए किसी जगह के 2 आपकी वैकेंसीज हुई बीच में, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, तो दोनों अगर खाली हैं तो दोनों का इलेक्शन एक साथ होता था। अब बीजेपी ने उसमें एक ट्विस्ट डाल दिया है, जब से बीजेपी आई है तब से इलेक्शन कमीशन में उसने कहा है कि नहीं, अगर 2 वैकेंसीज हैं किसी के रिजिग्नेशन या डेथ या उसकी वजह से, तो पहले एक का करेंगे और फिर 2 दिन बाद ही दूसरे का कर देंगे। आइडिया यह है कि वो जहाँ जहाँ आपकी मेजॉरिटी है, वैसे क्या होता था कि अगर आपकी मेजॉरिटी मान ली 200 का है, आपके पास 120 विधानसभा सीट हैं, तो एक आपको मिलता, एक ऑपोजिशन जीत जाता। नहीं, आपने कहा कि नहीं 1, फिर बाद में 1, तो अब दोनों आप ही जीत जाएंगे। ये एक थोड़ा सा पेच भारतीय जनता पार्टी ने अभी लगाया हुआ है। अब मैं एक और बात आगे करने से पहले, भगवंत मान का एक वीडियो है जो उन्होंने 28 सेकंड का, आप देख लीजिए, उनके अनुसार कौन व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहिए। जी खालड़ा मैडम जिड़े ने, बीबी खालड़ा जी, उन्होंने परिवार की जिड़ी मनुखी अधिकारों प्रति लड़ाई है या शहादत हुई है उसकी कदर करते हैं, पर लोकसभा उन्होंने कोई जिड़े पार्टियां ने उन्होंने रल के राज्यसभा क्यों नहीं लेके जाते जिथे वोटा मंगने की लड़ ही ना पवे। राज्यसभा बनाई यह लोगों लिए जिन्होंने कोई कुर्बानियां की, जिन्होंने कोई देश का नाम उच्चा किया, पर जी एक्टिव पॉलिटिक्स के नहीं जा सकते, वोटा मंगने का काम नहीं कर सकते, तो उसे राज्यसभा चलो। आपने वीडियो देख लिया, उनका कहना है कि भाई उसी स्टेट का, उसी जगह का वीडियो का मेंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई आम आदमी पार्टी पहली बार जो उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि आउटसाइडर्स को ले आके बना दे रहे हैं, ये कोई पहली बार आरोप नहीं है। देश ने बहुत से इस तरह के देखे, मनमोहन सिंह साहब भी वो आसाम से जाके वो राज्यसभा मेंबर बनते थे, उनका क्या आसाम से लेना देना। कांग्रेस के केरल के केसी वेणुगोपाल हैं, राजस्थान के कोटे से मतलब से हो के एमपी बन के बैठे हुए हैं। जो बीजेपी है उसमें मनोहर पर्रिकर साहब डेथ हो गई, राज्यसभा गए थे उत्तर प्रदेश से क्या लेना मनोहर पर्रिकर साहब का। उसी तरह से केजे अल्फेंसो हैं बीजेपी के,
केरल के हैं, राजस्थान के कोटे से, मतलब राजस्थान से एमपीओ के बैठे हुए हैं। वी मुरलीधरन हैं, फिर से ये भी केरल के हैं, बीजेपी के, महाराष्ट्र के कोटे से होके यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का कौन कहाँ से आ रहा है, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह गया है। हर पार्टी ये करती है, तो आम आदमी पार्टी कर रही है तो क्या कर रही है? क्योंकि क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी, पहले ये समझ लीजिए। आने वाले जो 5 वर्ष है ना, क्योंकि ये राज्यसभा की मेंबरशिप 6 साल की होती है, इससे पहले एक 5 साल बाद एक टेक्निकली एक चुनाव हो चुका होगा आम आदमी पार्टी का, तो उस समय तक लोगों को ये याद रहेगा नहीं रहेगा कि आउटसाइडर थे इनसाइडर थे, ये तो मैंने तो आज तक इसको मुद्दा बनते हुए देखा नहीं। अब आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले जो खास करके 2 साल और उसके बाद के साल तो हैं ही, लेकिन आने 2024 तक एक बहुत क्रूशल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे नेशनल पार्टी में एक अपना रोल डिफाइन कर रही है। दिल्ली में इस्टेब्लिश हो चुकी है, पंजाब में इस्टेब्लिश हो गई, गोवा में वो लड़ी थी नहीं सक्सेसफुल हुई, उत्तराखंड में नहीं सक्सेसफुल हुई, गुजरात में दे आर ट्राइंग देयर हैंड, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, देयर दे आर ट्राइंग देयर हैंड। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन सब जगहों पे अगर वो कर रहे हैं तो उसके थोड़े लोग ऐसे भी हों जो केवल पंजाब फोकस ना हो, जो एक ऑल इंडिया बेसिस पे उनको कहीं ना कहीं इस तरह की मदद मिल सके, क्योंकि वो पंजाब की स्ट्रेंथ पे, जैसे जब दिल्ली, वो पंजाब में जाके क्या कहते हैं, हमारा दिल्ली मॉडल देख लीजिए, दिल्ली में उन्होंने गवर्नेंस का अच्छा मॉडल दिया है जिसपे वो रिपीट हुए हैं, तो वही मॉडल को उसी तरह से पंजाब में, अगर पंजाब में वो इन सब चीज़ों को ठीक से कर ले जाते हैं तो वही मॉडल कहीं दूसरी जगह भी वो रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी इमीडिएट तो कंसर्न उनका गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। एक चीज़ और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट बनाई तो उसमें शायद अरविंद केजरीवाल जी का मिनिमम इंटरफेरेंस था। भगवंत मान जी को करीब करीब खुली छूट दी गई कि आप किस तरह से बैलेंस करते हैं, उन्होंने अच्छा बैलेंस किया है, लेकिन राज्यसभा में भगवंत मान जी ने छोड़ दिया था जैसे केजरीवाल जी चाहे जिसको, क्योंकि वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे थे कि आने वाले समय में उनको क्या फ़ायदा होगा, किससे फ़ायदा होगा, उस हिसाब से उन्होंने छोड़ दिया है केजरीवाल जी के लिए। तो राज्यसभा का जो भी आप देख रहे हैं उसमें बिल्कुल फुटप्रिंट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि केजरीवाल जी की ही पसंद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, कुछ लोग उस समय आम आदमी पार्टी छोड़ के चले भी गए थे। हमारे एक जो कवि जी हैं वो तो इतने गुस्से थे, उन्होंने अभी तक गुस्सा है उनका, उनको जब राज्यसभा का नॉमिनेशन इन सारे लोगों को नहीं मिला था, उस समय दिल्ली के एक बिजनेसमैन सुशील गुप्ता को और एक सीएन एनडी गुप्ता, ये 2 गुप्ता बंधुओं को दिया गया था। और मैंने अभी हाल के दिनों में देखा तो मुझे देख के थोड़ा अजीब सा भी लगा था, ये सब लोग बिजनेसमैन और सीएन हैं, लेकिन इनको संजय सिंह, इनको वही किसान विरोधी किसी बिल पे इनको भी ठेले हुए थे, वो भी बेचारे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। वो उनकी हालांकि वो देखने से लग रहा था कि वो नेचुरल नहीं है, अब चूँकि पार्टी में हैं एमपी हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, वो किसी एक जगह वो भी अपना कुछ राज्यसभा में नारे आरे लगा रहे थे। लेकिन एक जो बेसिक क्रिटिसिज्म हो रहा है और वो जो मुझे लगता है कि वो अगर आप एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आगे ध्यान में रखना होगा अरविंद केजरीवाल को। अब इनके 3 ऑलरेडी दिल्ली से, 5 ही 8 लोग हैं, 8 में एक भी महिला नहीं है। इसको मैं भी, ये क्रिटिसिज्म मैं भी ठीक मानूंगा, क्योंकि आप अगर सारी बातें करते हैं अच्छी, आप जात पात की बातें नहीं करते हैं, आपने तो एक कोई ना कोई महिला जो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम इसमें रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है एज सच, तो वो जहाँ से आ रहे हैं जिस जगह उनको फोकस करना है मुझे लगता है वो उतना नहीं, लेकिन महिला वाला मुझे हुआ है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, 8 में से 7 अपर कास्ट है, तो वो भी एक एक देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान में क्या कुछ लिया जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कुछ देने की बात होती है ना, जब शेयरिंग की बात होती है तो उसमें अपर कास्ट का हरदम अपर हैंड ही रहता है, इसमें कहीं कोई दराय नहीं है। इसको मैं राज्यसभा के तौर से देखूं कि राज्यसभा क्या क्या हो, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जी ने इसका बहुत दूसरे ढंग से इसको लिंक किया, उन्होंने कहा ये सरयू यमुना लिंक कैनाल जो है उसमें अब बहुत नाइंसाफ़ी होगी और पंजाब का जो शेयर है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, दिल्ली वाले उस शेयर, मुझे लगता है वो पॉलिटिकल बातें हैं, उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि भगवंत मान जी का सीट खाली होगी, लोकसभा का इलेक्शन होगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा पंजाब में कि कैसे होता है। चलते चलते मैं एक बात राज्यसभा की दृष्टि से और कह दूँ, राज्यसभा जब भी कंसीव की गई थी तो उसका एक ये था कि बॉडी ऑफ एल्डर्स होगी, ज़्यादा मनीषी लोग आएंगे, कुछ जो बहुत बुद्धिजीवी हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है उन लोग यहाँ आके कुछ विचार विमर्श करेंगे। और उसी उसमें एक अभी हाल के दिनों में रंजन गोगोई साहब को, जो पुराने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको भी नॉमिनेटेड कैटेगरी में सरकार से नॉमिनेट करवा दिया गया, वो इलेक्शन लड़के नहीं आया, मतलब ये वाला इलेक्शन जो ऐसे होता है ना
ये भी नहीं, वो नॉमिनेट हुए। और नॉमिनेट किस कैटेगरी, नॉमिनेट कौन होगा, नॉमिनेट वो लोग होंगे हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस। तो भाई मुझे तो नहीं पता कि रंजन गोगोई साहब ने कोई आर्ट भी बनाई है, तो भाई सबको पता लगे, ये अच्छी बात है। वो लिटरेचर में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया नहीं मालूम, अभी एक उन्होंने किताब लिखी है, अभी वो तभी लिखी, उससे पहले उन्होंने क्या किया था। साइंस में अगर कोई उन्होंने ऐसा कोई नया इन्वेंशन किया हो या कुछ एक नया किया हो, तो भाई देश को पता लगना चाहिए कि हमारे उन्होंने कौन सा साइंस में करामात की है। सोशल सर्विस तो इस देश में सभी लोग कहते हैं, अगर हम राह चलते हुए मंदिर से निकल के कुछ पैसा देते हैं तो उसको भी हम सोशल सर्विस मानते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सोशल सर्विस की है तो मुझे नहीं मालूम अगर है वो भी, क्योंकि जो उन्होंने पिछले 35-40 साल से किया है, जब वो बार में थे तो वो फीस लेते थे, मुकदमे लड़ते थे, फिर जब वो जिसको कहते हैं बेंच में आ गए, जब वो जज बन गए तो वो तनख्वाह लेते थे और अपना जज का काम करते थे। तो कोई फ्री में कोई काम नहीं किया, कोई सोशल सर्विस में उन्होंने कहीं काम नहीं किया है, लेकिन उनको भी सोशल सर्विस इन सब कैटेगरीज में उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। तो अभी कुल ले देखे आम आदमी पार्टी ने अपने को आने वाले समय के लिए तैयारी की है। इसको ये कहना कि ये पंजाब के लोग नहीं है, बाहरी लोग नहीं, ये सभी कर रहे हैं, तो इस पर बहुत क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाकी अब ये देखना ये है कि पांच लोग परफॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे गुप्ता जी को आप केवल आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, वो एक गेस्ट अपीयरेंस जो मैंने आपसे कहा जिंदाबाद करते हुए, तो बाकी लोगों को अपने को थोड़ा जो इस तरह के लोग आते हैं उनको प्रूव भी करना होगा कि उनका नॉमिनेशन या उनको जो पार्टी ने जब उन पर ट्रस्ट किया तो उसके लायक भी थे। थैंक यू सो मच।